हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? गाइस आज की जो वीडियो होने काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से ऊना सिविल रिव्यू लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए, अगर आप बजट फ्रेंडली आपको बाइक चाहिए कोई, तो उसके लिए आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है ये ऊना सिविल रिव्यू, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टीवीएस स्टार सिटी प्लस। तो इसका हम ऊना सिविल रिव्यू लेने वाले हैं। तो कौन भाई है उनसे मिला देता हूं पहले मैं। तो हेलो भाई, कैसे हैं? बढ़िया, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है गौरव सिंह। अच्छा, तो भैया कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? इसको अब तीसरा साल लगने वाला है। अच्छा, तीसरा साल लगने वाला है। तो आपने सिर्फ मतलब यही क्यों ली जो 110 cc? मतलब और भी ऑप्शन आपको? मुझे तो स्प्लेंडर चाहिए थी। अच्छा, दिलाई नहीं, क्योंकि हमारे घर पे पहले से एचएफडी लग्स थी। अरे, अब पापा ने कहा कि एक यही सही है, 110 cc में सबसे बेस्ट बाइक है। हाँ, बढ़िया है एकदम। और 12th पास होने के बाद मुझे कहा था मुझे बाइक चाहिए। अच्छा, अपनी बाइक। अच्छा, 12th के बाद मतलब कॉलेज के लिए लिया आपने? तो अभी कॉलेज वगैरह चल रहा होगा आपका? हाँ, कॉलेज चल रहा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मतलब माइलेज के लिए तो काफी बढ़िया बाइक है। अगर भगाते हुए चलते तो 30-35, और अगर आराम से चले तो 50 तक आ जाता है। हाँ, मतलब माइलेज तो काफी अच्छा है इस बाइक का। तो अभी कितने किलोमीटर कितने रन कर दिया आपने इसमें? इसमें अभी तक हो चुका है 20,534.9। तो इतने किलोमीटर आपने रन कर दिया, इसके बाद क्या एक्सपीरियंस आपका है? मतलब इसके इंजन के परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब हर चीज से खुश हूँ इसमें तो मैं। अच्छा, क्योंकि इसका पहला पिकअप बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये 70-80 का पोस्ट पता नहीं चलता। अच्छा, इतना आराम से भाग जाती है। तो पहाड़ों में कह रहे हो, प्लेन्स में, मतलब हाई बेस? अच्छा, यहाँ भी मतलब इतना भगा देते हैं हम? पल्सर 150, 160, अपाची सबको टक्कर दे रही है। अच्छा, हाँ। तो राइडर भी है मतलब एक हिसाब से। तो अच्छा, तो सर्विस वगैरह की क्या इसमें कॉस्ट आ जाती है अभी आपकी? कॉस्ट अगर आप शोरूम से करवाते हो, हाँ, 800 तक की आ जाती है। अच्छा, तो अभी तो मतलब इसके वो खत्म हो गए जो फ्री सर्विस होती है? तो अभी आप कहाँ से, मार्केट से करवाते हैं या? अभी तक तो शोरूम से चल रही थी। अच्छा, पर वो सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, 300 रुपए सर्विस चार्ज ले रहे हैं। अच्छा, अब सोच रहा हूँ मैं यहीं से लोकल से करवाऊंगा। अच्छा, मतलब अभी तक अपने बच्चे बाहर करवाई नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं करवाई है। अच्छा, बाहर क्या कॉस्ट पता करा होगा जैसे आपने? बाहर वो कह रहे हैं 600 रुपए कह रहे हैं। अच्छा, 200 का फर्क, सही है। चार्ज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, इंजन ऑयल वगैरह का देख लीजिएगा, इसमें सिंथेटिक डलवाता हूं। अच्छा, तब तो सही है, मतलब नॉलेज भी होगी आपको इसकी, तो बढ़िया है। तो इसमें जैसे वेरिएंट आता है, डिस्क वाला भी आता था, तो आपने डिस्क वाला क्यों नहीं लिया इसमें? ये क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे ले ली जब ये लॉन्च हुई थी। अच्छा, उसके एक दो हफ्ते बाद ही ले ली थी मैंने। अच्छा, डिस्क वाला वेरिएंट आया था 6 महीने बाद ही आया। अच्छा, थोड़ी वेटिंग था उसमें। अच्छा अच्छा, तो अभी ब्रेकिंग वगैरह कैसी मिल जाती है आपको इसमें? ब्रेकिंग ये है कि ब्रेकिंग तो बढ़िया है, पर कॉम्बी ब्रेक के उससे ना, हाँ हाँ, कहते हैं ब्रेकिंग थोड़ी कम लगती है, अगला ब्रेक कम आता है। अच्छा, अगला कम आता है। और पिछले का? पिछला भी सही है। हाँ, पिछले का तो वैसे रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है। और फिर फ्रंट में डिस्क कंपनियां इसलिए देती है क्योंकि फ्रंट में थोड़ा कम भी रहता ही है, वो फील कम आता है ब्रेक का। अच्छा, तो इसमें एलईडी लाइट आती है 110 सीसी के अंदर, मतलब एक यही बाइक है जिसमें आता है। तो अभी क्या है, फोकस वगैरह कैसा आता है इसमें आपका? रात के टाइम पे बहुत अच्छा फोकस है, बढ़िया होगा ना, एकदम क्लैरिटी अच्छी वाली मिलेगी। अच्छा, क्योंकि हेलोजन में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो फीके पड़ने लग जाते हैं, उसके ना साइड आपको एकदम काली काली सी दिखेंगी। हाँ, सेंटर पे आपको ब्राइटनेस दिखती है, इसमें पूरा फैल के दिखता होगा आपको। अच्छा, तो ये चीज भी सही है। तो अभी तक वैसे आपने टूर वूर भी मारे कहीं लंबे? इसमें मैं जागेश्वर गया हूं, अल्मोड़ा गया हूं। अच्छा, और उसके बाद हनुमान धाम भी गया यहाँ से। अच्छा, बहुत जगह गया उस पे। तो इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कि मतलब कभी कोई धोखा वगैरह मिला? आज तक कभी धोखा नहीं दिया इसमें। अच्छा, किसी चीज में भी धोखा नहीं दिया, मतलब सही स्मूथ, सही सलामत घर पहुंचा रखा है इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब कभी ऐसा भी नहीं होगा कि इंजन में कभी कोई दिक्कत आई आपको शोरूम पता नहीं पड़े? दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, ये चीज भी सही है। तो जैसे सर्विस सेंटर में आप काम करवाने जाते हैं ना, तो सर्विस सेंटर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? मतलब आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं नहीं करते? मतलब जो काम आप कहते हैं टाइम से करते हैं? या टाइम का ये है कि मेन उनका काम कुछ नहीं है ज्यादा। अच्छा, इंजन ऑयल चेंज करेंगे। हाँ, और एयर फिल्टर तो मेरा, मैं आपको बताऊं, दो साल हो गए थे इसके। अच्छा, कंपनी वालों ने एयर फिल्टर साफ नहीं करा था, मकड़ी के जाले लगे थे। अच्छा, हाँ, मैंने बाहर से अलग से डलवाया। अच्छा, अलग से करवाया फिर? हाँ, उनका ज्यादा काम नहीं रहता है। अच्छा, ब्रेक टाइट कर देंगे थोड़ी। हाँ, अच्छा, इंजन ऑयल बदल देते हैं और धो देते हैं, इतने में वापस फिर तो कुछ बताते भी नहीं कि ये चेंज करवा लो वो करवा लो। अच्छा, बस हमें बताना पड़ता है कि ये खराब है, ये खराब है। अच्छा, मतलब उनकी रिस्पांसिबिलिटी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपने जैसे अभी तक तो गाड़ी मतलब शादी शादी भी है, थोड़ी हल्की मॉडिफाई भी लग रही है, मतलब रैपिंग वगैरह? स्टार्टिंग में बहुत कुछ करा था। अच्छा, शौक खत्म हो गया, शौक खत्म। वैसे लगाई थी और हैंडल वाली लाइट, बहुत चीज करती। अच्छा, सब निकाल दिया आपने? आए 2 दिन और थे, मैंने जाते हैंडल वाली लाइट लगाई थी, ड्रिल से छेद करवा देते हैं। अरे हाँ, उसमें करना पड़ता है वो वायर की वजह से। अच्छा, तो फिर निकाले क्यों आपने फिर? उसके बाद कहते हैं बार बार ढीली हो जा रही थी। अच्छा, और कुछ सोचा फ्यूचर में? अच्छा, सिंपल बहुत कुछ करा लिया। अच्छा अच्छा, तो फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब इसको रखेंगे या कुछ और? फर्स्ट बाइक अभी तक की। अच्छा, आपकी पहली बाइक है तो इसको तो रखना ही है। तो इसके बाद कौन सी लेने की सोची वैसे कोई, जैसे चेंज? अच्छा, कार का प्लान है, बाइक में जाना ही नहीं है। चलिए, ये भी अच्छा प्लान है। इसमें कुछ चीज ऐसी बता दीजिए जो आपको प्रोज एंड कॉन्स लगती है, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इस टाइप से कुछ? अच्छा, तो इसका पिकअप अच्छा लगता है। हाँ, और जो इसकी एलईडी की ब्राइटनेस है वो बढ़िया है, और माइलेज भी अच्छा ही, माइलेज तो बढ़िया मिल जाता है उसमें। हाँ, और ब्रेकिंग का तो नहीं कहता हूँ मैं। अच्छा, ब्रेकिंग मुझे कमी लगती है, उतना अच्छा नहीं आता है। हाँ,
और इस पे तो ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला। अच्छा तो आपने बड़े वाले हॉर्न भी लगवाए हैं इसमें? इसमें लगा रखे। तो ये भी काम करते हैं ये वाले? सुना देता आपको। हाँ। अरे वाह। तो इसमें बैटरी में कितना लोड पड़ता है इससे? बिना रिले के अभी तक तो मुझे कुछ लोड दिखा नहीं है। अच्छा, बिना रिले के चलते हैं? बिना रिले के चलते हैं। लोग कहते हैं कि बिना रिले के ज्यादा बैटरी खाते हैं, अभी तक मुझे लगा नहीं है। हाँ, मेरे मैंने भी लगवाया था एक बार, मेरी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो गई थी मेरी, इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए, फायदा है आपके पास तो केक है इसमें। बाइक आई थी इसमें, मैंने इसमें लगा था हॉर्न लगाए, हॉर्न का। अच्छा, स्टार्टिंग से लगाया था। तो अभी तो बैटरी सही चल रही है अभी तक? सही चल रही है। तो आप न्यूट्रल में भी करते हैं? ये तो बढ़िया बढ़िया चीज लगी है आपके उसमें फिर। तो इसमें कुछ कौन से वाले बताने वाले थे कि मतलब क्या चीज आपको कम अच्छी नहीं लगती है? वो तो ब्रेक्स बताए थे आपने। अच्छी ये है कि आप अगर जैसे ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, हाँ, तो उसका सबसे पहले पिछला टायर स्प्लिट होता है। अच्छा, चाहे वो वेट की वजह से, वेट की वजह से भी, और चाहे आपने चौड़ा टायर भी लगवाया है या पतला टायर, अच्छा अच्छे ग्रिप वाला टायर लगा दो, होता ही होता। तो ये मतलब ज्यादा स्पीड के हिसाब से होता है या मतलब धीरे भी चलेंगे तो अभी रगड़ता ही है? मतलब ये की ज्यादा स्पीड के हिसाब से। अच्छा, मैंने इस पे पल्सर 150 का भी टायर लगाया था। अच्छा, एवरेज कुछ नहीं मिली मुझे। हाँ, उसमें भी भेज दिया कम हो जाता है। कॉन्टिनेंटल का दिलवाया था। अच्छा, कॉन्टिनेंटल का मैंने भी एक बार लगाया, मेरा तो बड़ा बेकार एक्सपीरियंस था। कुछ बेकार था क्योंकि उसमें बहुत बारीक पंचर आ गए थे, ही बारीक पंचर थे। अच्छा, 9 महीने में मेरा मतलब टायर ऐसा हो गया था पूरा, मतलब 9 महीने नहीं 1.5 महीने में, 1.5 महीने में, और उसमें ग्रिप नहीं थी बिल्कुल। हाँ, और ऊपर से वो बारिश में बहुत स्किड करता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। अतुल मोटर्स से अलग दिलवाया था, ओरिजिनल का टीवीएस का। अच्छा, टीवीएस का है, ठीक ठीक बढ़िया है। ये तो और कुछ एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर सकते हैं तो बताइए। एक्सपीरियंस तो यार गाड़ी एकदम सही है, क्या नहीं, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस गाड़ी में। अच्छा, और मैं से प्राइस क्या पड़े थे आपको? हमने फाइनेंस पे ली थी। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग की डाउन पेमेंट की थी इस पे 25 की। अच्छा, और शोरूम प्राइस था 85। अच्छा, मतलब वो एक्स शोरूम था या ऑन रोड प्राइस था? एक्स शोरूम था। अच्छा, एक्स शोरूम, और ऑन रोड पड़ी थी हमें 1.15 में पड़ गई थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें 2 साल पहले की बात है? 2 साल हो गया, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। हाँ, अब तो प्राइस बढ़ गए होंगे। ठीक ठीक, तो ये सारी चीजें फिर, और तो कुछ है नहीं था। तो गाइस, ये सारी चीजें जैसे कि आपको पता है कि यार 110 सीसी में आपको इतनी बढ़िया बाइक मिलती है, तो इसके अंदर आपको जो जो चीजें मिलती है, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, भैया ने सारा का सारा आपको डिटेल में बता दिया है, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं लगती। हाँ, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, सेटिस्फेक्शन लेवल बता दीजिए अपना, कितने ज्यादा सेटिस्फाई है आप इसे? 100% ही इसका सेटिस्फेक्शन। अच्छा, 100% का, मतलब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आज तक। चलिए, तो ये चीज तो, हाँ, आप इसको अगर 70-80 किलोमीटर से ज्यादा चला लेते हैं तो इसके ठंडे इंजन में अलग साउंड आता है, गर्म इंजन में अलग साउंड आता है। अच्छा, उसमें किस तरीके का चेंज हो जाता है? उसपे किस तरीके का खटखट खटखट की आवाज आती है इंजन। अच्छा, इंजन से ज्यादा गर्म होने के बाद वैसे गाड़ियां करती हैं कई बार, और ठंडा इंजन में अलग साउंड करती है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम लगती है आपको या मतलब नॉर्मली है? प्रॉब्लम तो नहीं, पर कंपनी में पूछा, वो कहते हैं कि इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है तो कूल डाउन होता है, कहते हैं। हां, वो गर्म होने के बाद वैसे करते हैं कई इंजन। अच्छा, तो ये चीज की है, बाकी आप 100% से खुश है, सेटिस्फाई है। तो गाइस, ये देखा आपने कि यार 100% भैया से सेटिस्फाई है। तो अगर आप चाहते हैं यार, जाते हैं टीवीएस स्टार सिटी प्लस की तरफ, तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा माइलेज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस, और उसके साथ सर्विस कॉस्ट वगैरह आपकी काफी सस्ती बैठ जाती है। तो इस चीज में यार ये बाइक काफी बढ़िया है, क्योंकि डेली लाइफ के, डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या स्कूटर के अंदर आपको बेहतर चीज मिलती है, तो वो चीज आप समझ गए होंगे। बाकी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डाउट्स हैं, हम आपके डाउट्स का क्लियर कर देंगे आपके। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक अगले, बाय बाय।